एक्चुअली आपका नंबर यूट्यूब से देखा था मैंने। क्या इशू है आपका? भैया इशू ये है कि मेरा अकाउंट में कोई एक अमाउंट आया था 3,030 रुपीज़ का। एक्चुअली मेरा शॉप है तो आप पैसे का तो चलता रहता है ट्रांजेक्शन, कभी कभी कोई किस चीज का आता शॉप है? अच्छा, है। CSC सेंटर मतलब ये कस्टमर सर्विस, मतलब है। हाँ, वही सब ऑनलाइन सब ऑनलाइन के लिए कोई भी फॉर्म वगैरह वगैरह? हुआ, मनी ट्रांसफर का भी ठीक है है। ठीक है, हाँ, ठीक है। मतलब आपका मतलब QR कोड दुकान पे लगा हुआ है, कोई भी आता है, किसी तो भी काम पेमेंट कर करवाता है, देते उसकी भुगतान आपको QR कोड के माध्यम से कर देता है। हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, ये थोड़ा टाइम हो गया इस चीज को, तो 5 से 5 6 महीने हो गए होंगे। एक्चुअली क्या है, मैं इस टाइम पे बिजी भी था, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं उस चीज को मैंने कहा देखता हूँ। उसमें अमाउंट भी नहीं था ज्यादा, 10,000 के अराउंड उस टाइम पे जब ब्लॉक हुआ था 10,000 रुपये थे। लेकिन क्या रहता है, कई बार पेमेंट कस्टमर क्या करता है, बिना पूछे डाल देता है। मैं उनको पता है कि ये नंबर है, वो ये भी नहीं पूछते कि आपका पेटीएम भेजना है या फोन पे करना है, ऐसा करके वो डाल देते हैं। और मेरे अकाउंट में वो अब अकाउंट में हो गया 46,000, उसमें बढ़ गया, मतलब 10,000 थे जब ब्लॉक हुआ था, उसके बाद अभी 46,000 हो चुके हैं उसमें। तो मैंने सोचा और ये इसको, ब्लॉक हाँ किस कारण से हुआ है? हाँ, उसमें ये मैसेज आया था, एक्चुअली एक कौन मैसेज सा आया था, बैंक है? पेटीएम पेमेंट बैंक ही है। अच्छा, बैंक ने क्या बताया था? बैंक में मेल के थ्रू एक्चुअली क्या कॉल लगता नहीं है, हाँ, नहीं कॉल भी लगता है, कस्टमर केयर का नंबर है उस पे भी, आपका जो नंबर उसमें ब्लॉक है उससे नहीं लगेगा, किसी और नंबर से ही कस्टमर केयर से बात होगी। अच्छा, मतलब किसी दूसरे अदर नंबर से, कोई भी अदर नंबर से वो रजिस्टर्ड हो या ना हो जाएगी बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप रजिस्टर्ड हो ना हो और लेकिन उससे बात करेंगे, कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल लग जाएगी, तो वो फिर आप अपना पेटीएम नंबर बता के कि हाँ ये क्यों ब्लॉक है, वो तो भी मुझे जानकारी पता दे है, देगा मौखिक रूप में, या फिर आप उनको ट्विटर पे ट्वीट करें, या फिर मेल के माध्यम से हो, या पेटीएम में हेल्प डेस्क के माध्यम से वो जानकारी मिलेगी कि किस ट्रांजेक्शन को लेकर वो और तो मुझे कितना अमाउंट पता है और किस पुलिस के द्वारा है। है भैया। जी, मैं ब्रांच होके आया हूँ जो नोएडा में बनी हुई कोई है। फायदा नहीं है उसका। वैसे वहां पे क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि आपका जो अमाउंट आया है कहीं से आया है, एयरटेल के थ्रू आया है, एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू आया है। एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू से हुआ है, और वो सस्पिशियस बंदा था, तो उसकी कोई कंप्लेन रही होगी, और तो उसका उसने आपके अकाउंट में डाला, तो आपका भी होल्ड कर दिया गया बिल्कुल है। राइट, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने उसके अलावा मुझे कोई डिटेल नहीं दी कि कौन सा बंदा है, क्या है, मुझे NOC के लिए क्या करना है प्रॉपर। कोई मैंने बोला आप क्रेडिट फ्रीज कर दो, मेरे हैंड में कुछ नहीं है, ऐसा बोल के, मतलब उन्होंने कुछ हेल्प करने से सीधा मना कर दिया। बोले एयरटेल जाओ, एयरटेल से बात करो। नहीं, एयरटेल कुछ नहीं करेगा आपका। हाँ आपको जो मतलब क्या कहते हैं, पेमेंट डायरेक्टली फोन पे आते थे, या फोन पे आप देख पा रहे हो, या केवल बैंक ही फ्रीज है, या पूरा हिस्ट्री या पेमेंट पूरा मेरा फ्रीज है, पेटीएम उस दिन से बिल्कुल लॉगिन ही नहीं हुआ आज तक। मतलब ब्लॉक है एक तरीके से? अच्छा, लॉगिन नहीं कर पा रहे हो आप? हाँ नहीं, लॉगिन ही नहीं हुआ, तो मुझे ये भी नहीं पता कि अमाउंट किसने भेजा, कब भेजा और किस डेट का है। तो फिर बैलेंस कैसे वो चेक कर पा रहे हो? मेरे फोन पे में लिंक है, वहाँ बैलेंस इंक्वायरी हो रही है बस, उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा। फोन पे पे तो जिसने पेमेंट किया था, QR कोड पेटीएम का लगा हुआ था या फोन पे का? अब भैया वही तो नहीं पता चल पा रहा कि तो फोन पे मेरा, का हिस्ट्री तो चेक कर सकते हो। नहीं, फोन पे का कर सकता हूँ, लेकिन अगर हो सक मुझे ये भी तो क्लियर नहीं है कि वो किसने भेजा उसमें, समझ मतलब किस तारीख का रहे और किस अमाउंट का वो भी हो, नहीं मतलब बताया? ये नहीं बताया उन्होंने वो तो इतना। बताएंगे, वो तो बिल्कुल बताते हैं कि किस तारीख का है और किस अमाउंट को लेकर है, और फिर किस पुलिस को कांटेक्ट करना है। RRN नंबर दिया बस मुझे। RN नंबर दिया होगा, वो तो ट्रांजेक्शन नंबर हो गया, और किस ये तारीख को भेजा था भी नहीं बताया ना वो कुछ भी। बताएंगे, वो तो मौखिक रूप में नहीं बताया ना, ऑफिस में भी नहीं बताएंगे, वो भी मैं मान रहा हूँ। आप उनको मेल करें या ट्विटर के माध्यम से पूछें, या पेटीएम पे ही बिना लॉगिन किए भी आप टिकट रेज कर सकते हैं, वो बताएंगे। तो उनको मैं डिटेल पूछूं कि किसका आप नंबर बिल्कुल, है। आप साइबर सेल एट द रेट पेटीएम बैंक डॉट कॉम पे, या नोडल ऑफिसर एट द रेट पेटीएम बैंक डॉट कॉम पे आप मेल करें, अपना पेटीएम नंबर मेंशन करते हुए कि लाइक माय दिस पेटीएम नंबर हैज़ बीन ब्लॉक, सो प्लीज़ अनब्लॉक इट, और प्लीज़ टेल मी द रीज़न दैट ड्यू टू विच रीज़न इट हैज़ बीन ब्लॉक। वो आपको पूरा ट्रांजेक्शन नंबर, तारीख, अमाउंट और किस पुलिस के द्वारा हुआ है वो आपको देंगे, तभी तो उस पुलिस को कॉन्टेक्ट करके मतलब हम अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं, या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से कोई चार्जबैक कंप्लेन है या पुलिस कंप्लेन है, ये भी देखना होगा, क्योंकि जैसा आप कह रहे हो कि पेड
एयरटेल नो पेमेंट बैंक को वो कह रहे हैं कांटेक्ट करने को, तो बैंक ने कोई कंप्लेन किया है या पुलिस ने किया है वो भी देखना होगा। बैंक की तरफ से आई वो बोले एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से मेरे पास मेल आई थी, आपके उन्होंने पास टिकट कुछ आया था, किस मतलब मतलब पेटीएम का मेरा कहना है कि उनके पास एयरटेल की तरफ से हाँ आया था? हाँ उन्होंने टिकट जब मैं वहाँ ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने टिकट आईडी दी कि इस टिकट आईडी पे एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से हमारे पास मेल आई थी कि आपका सस्पिशियस अमाउंट है, इसलिए हमने ये ब्लॉक कर दिया आपका अकाउंट। अच्छा ठीक है, वो तो उन्होंने मौखिक रूप से आपको बताया, लिखित रूप में कुछ दिया नहीं है। आप मेल करें, वहाँ पे स्पष्ट जानकारी आएगी। अगर बैंक के द्वारा हुआ है तब तो और आसान है अनफ्रीज कराना, या पुलिस के द्वारा भी होगा तो अनफ्रीज है, क्योंकि आपने कुछ गलत काम आप कर नहीं रहे हैं। ठीक है, लेन देन कर रहे हैं, दुकान है, कोई भी बंदा आता है, कंप्लेन की वजह से हुआ है तो ठीक है, जो भी अमाउंट डिस्प्यूटेड होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो अमाउंट रिफंड करके फिर हाँ और क्या, अनब्लॉक हो जाएगा। वही तो मैं सोच रहा था कि सर इतना इजी होगा, कोई इशू होना नहीं चाहिए। वहां पे गया, उन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक भेज दिया, मैं नहीं, गांव गया ऑफिस में वहां जाने से तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बैंक का सारा काम ऑनलाइन होता है, अन्य बैंकों की तरह नहीं है पे। कि अच्छा बैंक अच्छा में गए तो वहाँ पे ज़्यादा सुनवाई होगी, बल्कि वो अच्छा ऑफिस नहीं तो वहाँ पे एक्चुअली मैंने वहाँ पे 150-150 मतलब लाइनें लगी थी सर, प्रॉब्लम बहुत था इशू में पेटीएम की, में तो लाइन 150 लोग लगे थे कम से कम जो कि उस दिन। इसी मतलब कुछ ना कुछ समस्या के लिए लगे हुए सेम थे। सेम हाँ बता रहे थे कि मैं 8-8 महीने से घूम रहा हूँ, मेरा 4-5 लाख रुपये फंसा हुआ है, ऐसे कई बंदे मुझे मिले वो बोल रहे थे मेरा इशू सॉल्व नहीं कर रहे ये लोग। ज़्यादातर नहीं, वो बैंक वाले तो देखो नहीं कर सकते ना, देखो सिंपल सी बात समझो, मेरे को भी ये देखो ज़्यादातर समस्या बैंक में आ रही है, क्योंकि पेटीएम का क्या है ना प्रॉब्लम सबसे बड़ा, कि ये पूरा अमाउंट फ्रीज कर देते हैं। बाकी बैंकों में होता क्या है कि ज़्यादातर में जो अमाउंट डिस्प्यूटेड होता है उसी अमाउंट को होल्ड करते हैं या लीन लगाते हैं। अब यहाँ पे है कि पूरे खाते में चाहे 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 हज़ार हो, 20 हज़ार हो, पूरा पैसा ही फंस जाता है। बैंक में पैसा हो जाएगा रिफंड, ऐसा तो नहीं है बैंक का कुछ सीन चल रहा हो, बैंक बंद ही होने वाली हो करके तो ये जानबूझ के कर रहे हो ऐसा। वहां तो वकील भी आया था, वकील बोल रहा था कि ये सब जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग, सब मिले जुले हुए सब लोग जानबूझ के अमाउंट फ्रीज करते हैं, पहले कंप्लेन डलवाते हैं किसी अपने आदमी से और पैसा फ्रीज कर देते हैं अमाउंट। देखो ये तो एक हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखने को तो ज़्यादा मिल रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ही ज़्यादा अनफ्रीज क्यों हो रहा है, बाकी बैंक भी तो होने चाहिए। तो मेरे को तो जो मेरा मतलब एक अनुभव है, ज़्यादातर लोग पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे चाहे जो भी वजह रही हो, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग पेटीएम पेमेंट बैंक को मतलब एक सेफ मानते हैं, या ये मानते हैं कि इसमें कोई इशू नहीं आएगा और इसमें कितनी भी लेन देन कर लें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बैंक में तो उतनी लेन देन अगर आप एक दिन का करेंगे तो दिक्कत है। और के तुरंत वो आपका नोटिस बुक कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, फिर हाँ, क्योंकि आप उसको पेटीएम में मान लीजिए आपकी दुकान है, 10 लोगों ने भी पेमेंट किया तो कोई नहीं पूछने आ रहा है। अगर बैंक में 10 लोगों ने अगर 50-50 रुपये भी भेजे तो बैंक आपका पासबुक अपडेट करेगा, आपसे 100 सवाल पूछेगा, और बाकी इन बैंक में नहीं पूछा जाता है। तो ज़्यादातर लोगों का देखो पेटीएम अपने आप नहीं कर रहा है, ये बात भी माननी पड़ेगी, जो मेरा अपना अनुभव है कि पेटीएम अपने आप नहीं कर रहा है। ये तो पक्का है कि कंप्लेन ज़्यादातर साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा रेज की जाती है या किसी अन्य बैंक के द्वारा। अच्छा तो ये कहना है कि पेटीएम मतलब खुद ही गलत है या जानबूझ के कर रहा है, कुछ हद तक हो सकता है। देखो कुछ हद तक तो गलत हो सकता है 1%, लेकिन हर एक के साथ ये चीज़ नहीं होगी। डेटा लीक भी सुना था करे तो किया हुआ है करके देखो वो डेटा लीक होना या कंपनी। ये तो देखो हर एक में मतलब मैं तो ये मानूंगा डाटा इन द सेंस, क्योंकि पेटीएम से सब कुछ जुड़ा हुआ है। आज के डेट में पेटीएम ने क्या किया, लोन लेने से लेकर हो, पोस्ट पेड हो, जितनी भी मतलब सर्विसेज आपको लेनी है मार्केट में, चाहे वो रेस्टोरेंट जाने से लेकर हो, दुकानदार से लेकर हो, हर एक डाटा को इस तरीके से तो मतलब किया हुआ ही है कि हर एक डाटा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ तो हो ही रहा है। अब डाटा लीक जैसा तो मतलब इस चीज़ को तो एक अलग ही चीज़ है। अच्छा सर, अभी मेरे मेरे इंसिडेंट एक साथ वाले लड़के के साथ हुआ, उसकी एक सैलरी क्रेडिट हुई आज, ऑटोमेटिक उसके अकाउंट से सैलरी किसी दूसरे अकाउंट में चली गई, उसके अकाउंट से उसने यूज भी नहीं करा अपना पेटीएम, मतलब उसकी उसने सैलरी पेटीएम में ही आई थी। हाँ पेटीएम में आई थी, उसके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी चली गई जबकि उसने वो यूज ही नहीं किया उस दिन पेटीएम। नहीं, दूसरे अकाउंट में तो तभी गया होगा ना जब उसने क्या किया वही तो होगा, मैं कह रहा हूँ उसके साथ ऐसा हुआ, उसने कंप्लेन भी डाली है पुलिस को मतलब साइबर सेल को उसने क्या उसकी। किया होगा, उसका पेटीएम नंबर किसी ने चेंज कर दिया होगा, वो पॉसिबल होगा ना। मान लीजिए कि आपका ये नंबर पेटीएम पे है और हुआ क्या कि मैंने किसी भी तरीके से, लेकिन किसी भी तरीके से तो प्रोसेस एक ही है कि बिना ओटीपी के तो
नंबर चेंज होगा नहीं। बहुत हाँ से लोग ऐसे फ्रॉड लोग भी हैं जो पेटीएम नंबर चेंज कर देते हैं, उसमें जो भी पैसे आएंगे कोई भेजेगा तो आप ही को, लेकिन रिसीव उसको होगा और आप निकाल भी नहीं सकते, और वो सारी लेन देन वो कर सकता। तो वो तो एक तरीके का ये हुआ कि उस बंदे का अकाउंट हैक करके किसी और बंदे ने उसको एक्सेस ले लिया है और फिर वो सारे पैसे को यूज कर पा रहा है। तो मुझे इसमें तो अभी 100% दोबारा है कि इसने से ओटीपी शेयर किया होगा, बिना ओटीपी शेयर के नहीं होता है। मेल करूं उनको, बस डिटेल मांगू कि बस डिटेल मांगू, फिर उसके बाद देखूं क्या हाँ करना है। डिटेल ठीक मिल जाएगी ना, तो आप मेरे को ना स्क्रीनशॉट भेज देना इस पे, है, अगर ना भी मिलती है तो भी भेज देना, मैं अपनी तरफ से आपके नंबर के लिए पूछ लूँगा तो रिप्लाई मेरे पास भी आ जाएगा कि ये नंबर क्यों ब्लॉक है। तो फिर उससे जब ये पता चल जाएगा कि ये क्यों ब्लॉक है तो डेफिनेटली पेटीएम आपको ये भी प्रोवाइड करेगा कि आपको किसको कांटेक्ट करना है। अगर ये बैंक होगा तो बैंक का मेल आईडी होगा, पुलिस होगा तो पुलिस का मेल आईडी होगा, उनको फिर वो मेल किया भैया जाएगा तो फिर देखते हैं वहाँ से क्या जवाब आता एयरटेल वाले ने तो पता मेरे को क्या बोला, वहां पे है। ऑफर तो उनका बना, यहाँ तो कम से कम मिल रहे थे ना, सबको बुला रहे थे केबिन में अच्छे से, मतलब मीट कर रहे थे अच्छे से, लेकिन वहाँ एयरटेल में तो क्या था कि उनका सेकंड फ्लोर पे था पेटीएम वाला ऑफिस, तो वो सिर्फ रिसेप्शन में बैठा ले हुए थे, रिसेप्शन से कॉल करवा रहे थे मेरे को कहाँ बस, पे, पेटीएम वाले में? एयरटेल वाले में। अच्छा एयरटेल वाला ऑफिस कहाँ पर है? पेटीएम वाले बिल्डिंग में ही है? ना ना गुड़गांव गया था, गुड़गांव अच्छा गुड़गांव में उनका ऑफिस है, तो वहाँ पे क्या मतलब बताया उन्होंने? वहां मैं गया तो उन्होंने भी सेम ये कहा कि मेरे पास LEA से आई है। हमने कहा LEA, ला इन्फोर्समेंट एजेंसी करके बोल रहे थे, तो मैंने कहा वो तो कई सारी होती हैं करके, तो मुझे प्रॉपर आप उनकी डिटेल तो दो, क्या है कैसा है। वो मेरे सर हमारे यहाँ ऐसे नहीं क्लोज कर सकते सर, ये वो, मैं आपको आपको मेल आईडी ऑफिस का LEA का दे दूंगा एक दो दिन बाद करके, आप फोन नंबर ईमेल आईडी दे दो मुझे अपनी, मैं आपको कॉन्टेक्ट शेयर कर दूंगा, ये बोल के टहला दिया मुझको। अच्छा उतना परेशान ना हो, पहले तो आप पेटीएम को मेल करें, यहाँ से डिटेल देखते हैं क्या आता है, फिर मैं बताता हूँ क्या करने का आपको।